हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, दिस इज सोनू। वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सोनू व्लॉग्स। तो होप्स होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी का सीन कुछ ये है कि पहले ही बता देता हूँ, कल पार्ट वन आई थी, आज पार्ट टू आई थी आएगी। मतलब कल पार्ट वन थी गोमती नगर का, आज पार्ट टू है। पूरी वीडियो उसमें नहीं थी, तो फॉर्चुनर के बाद का जो सीन है वो आज इसमें है। तो बढ़िया से वीडियो को इन्जॉय करिए, इंटरेस्टिंग वीडियो है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट भी किया। और आज हम लोग जा रहे हैं, मतलब वीडियो तो आपको पार्ट टू आ ही रही है, उसके बाद फिर वैसे भी बता देता हूँ नेक्स्ट वीडियो कौन सी आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जा रहे हैं, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि यहीं पन्नालाल रोड पर रहते हैं, लेकिन वो दुबई सऊदी में है, सऊदी या दुबई में है कमेंट में। तो वो बाहर रहते हैं, तो वो अपना गली मोहल्ला देखना चाहते हैं पन्नालाल रोड। तो पन्नालाल रोड के साथ साथ दिखा देंगे, रात के टाइम चले जाएँगे डंडैया मार्केट। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी आज की भी और कल की भी। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, वीडियो कंटिन्यू करते हैं, आप लोग देखिए बढ़िया से। तो फ्रेंड्स, अभी आ चुके हैं हम लोग घुसड़िया चौराहा पे, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद चौक इसे कहा जाता है। तो सामने के साइड में अगर आप चले जाएंगे यहाँ पे, तो आपको जयपुरिया स्कूल है पढ़ता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। तो वहाँ पहुँच जाएँगे और ये पुल के नीचे का भी कुछ ऐसा है, मतलब हाँ। तो हमारे फ्लाइंग बीट सर यहाँ पे कई बार आए हैं, उन्हें स्पॉट किया गया है, यही रहते ही हैं, लखनऊ में ही रहते हैं, तो सब तो जानते ही होंगे। और ये निकली अपनी फॉर्च्यूनर आगे से। तो पुल के नीचे बढ़िया सा सारी जगह कवर की गई है, और अभी हम लोग चल रहे हैं शहीद पथ वाले पुल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग शहीद पथ वाले पुल के ऊपर आ चुके हैं और नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को, क्या ही मस्त है नज़ारा। ये पुल जो है लगभग 2 या 3 किलोमीटर ऊंचा पुल है, 2 या 3 किलोमीटर ऊँचा पुल है, तो काफ़ी मस्त लग रहा है आपको। सामने की साइड में चिड़िया थी और कुछ खाने आ रही थी, मतलब लेके आई थी, और अचानक से हम पहुंच गए तो वो नीचे की साइड चली गई। तो आपको सामने का व्यू दिखाते हैं बढ़िया से। उस सामने जो आप वाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, ये गोमती नगर में, मतलब CMS स्कूल गोमती नगर में क्या, लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा इसकी ब्रांचें हैं, तो मेन ब्रांच इसकी यहीं पर है। और पीछे साइड में रोहित अपार्टमेंट है। और अभी हम लोग शहीद पथ पुल से नीचे के साइड में उतर आए हैं, और बिल्कुल रोड के किनारे की साइड में देखिए पेड़ कितने अच्छे अच्छे लगाए गए हैं। नॉर्मली जो पेड़ होता है वो काट दिया जाता है रोडों पे, लेकिन यहाँ पे देखिए जितने भी पेड़ हैं पुराने सुरक्षित हैं उसी तरह जैसे पहले के टाइम पर पेड़ रोड के किनारे पेड़ लगे हुए थे रहते थे, तो उसी तरह बिल्कुल देखिए हैं, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। मस्त नेचर का, मतलब ऑक्सीजन की जो वैल्यूएशन है वो भी पूरा सही है। भैया की गाड़ी में हो गया है तेल ख़त्म, तो इसीलिए कहते हैं भैया 100 रुपये का पेट्रोल पूरा डलवाया करिए। हमको तो 100 रुपये मिलते हैं तो हम 80 का ही तेल डलवाते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, 20 रुपये निकाल के रख लेते हैं अपने खर्चे के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जहाँ पे हैं, इस गांव का नाम है मलेशिया माऊ। तो आए थे कुछ काम से, दीदी के वहाँ पे कुछ सामान लेना था, तो उसी लिए बेसिकली आए थे, और घूमना भी हो गया। तो एक काम से, मतलब एक ही बार में 2 काम हो गए। तो अभी का सीन कुछ है कि हम जा रहे हैं घर वापस, और धूप जो है वो मतलब 10:30 बजे आ गया है, तो धूप अच्छी खासी हो गई है। तो अभी गए थे ATM से, तीन ATM पे गए, तीनों जगह में से कहीं भी पैसा नहीं निकला। तो फिर ऑनलाइन एक जगह ट्रांसफ़र कराया, उससे कैश लिया हम लोगों ने मोबाइल की दुकान से। तो अभी निकल रहे हैं गोमती नगर से हम लोग, सुबह हमको भी ड्यूटी जाना है। तो फ्रेंड्स, अभी हमें चढ़ना था सामने की साइड में पुल पे, लेकिन उधर नहीं गए,
और यहाँ पे आए हुए थे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल यानी सीएमएस स्कूल दिखाने आप लोगों को। तो ये मेन ब्रांच है सीएमएस स्कूल की और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी बसें और कार हैं यहाँ के स्टाफ की। मोड़ लेना सामने के साइड में, देखिए कितनी सारी बसें हैं भाई साहब। और ये हमारे जीजा जी का है डीके मोटर्स, तो यहीं आए हुए थे जीजी के वहाँ पे हम लोग, कारखाना है। ये सीएमएस की मेन ब्रांच है कैम्ब्रिज, और क्या ही बोले, बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल है, बहुत ही। ये देखिए मेन ब्रांच सीएमएस की, यहाँ पे सब हाई सोसाइटी के लोग ही यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, आगे साइड में पुल चढ़ना है, यहाँ से ऊपर देख सकते हैं गाड़ियाँ जा रही हैं, तो पुल चढ़ के ऊपर निकल जाएंगे। शहीद पथ वाला पुल है ये। हाँ, तो ये है कुछ पुल के ऊपर का सीन, आप देख सकते हैं। और ये फोर लाइन हाईवे है, मतलब फोर लाइन है यहाँ पे। तो अभी हम बिल्कुल साइड में चल रहे हैं क्योंकि हमें आगे से पुल नीचे उतरना है, उसड़िया चौराहे वाला। नाम तो सुन के आप लोगों को हंसी आ रही है, लेकिन इसका नाम उसड़िया ही। आप चले जाएंगे तो क्या पड़ेगा, जनेश्वर मिस पार्क इस साइड में चले जाएंगे तो पड़ेगा, बाकी हमें तो आगे से लेफ्ट मुड़ना है। ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था। फ्रेंड्स अभी का सीन कुछ ऐसा हुआ है, हम लोग जा रहे थे और फोर व्हीलर एक निकली, तो अंकल जी अचानक से उधर मोड़ दिया और हमारी गाड़ी में लड़ गए। तो वैसे कोई चोट नहीं लगी है, पानी वानी पिला दिया हम लोगों ने। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है, हम लोग निकल रहे हैं। बाबा आराम से जाइए, ठीक है। तो ये बाबा हैं, थोड़ी सी हाथ में चोट लग गई थी, तो दरअसल चक्कर आ गए थे इन्हें, तो चक्कर आ गए थे जिस वजह से हमारी गाड़ी में भिड़ गए। तो वैसे हम लोग तेज़ नहीं थे, धीरे थे, तो आप लोग भी गाड़ी धीरे चलाया करिए, हो सकता है आप सही जा रहे हो लेकिन कुछ सामने से अगल बगल से आपके पास आके भिड़ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए कोई नहीं, अभी निकल रहे हैं। सामने मनोज पांडे चौराहा है, उससे पहले पड़ेगा पत्रकारपुरम चौराहा। तो धीरे धीरे अपनी जर्नी ख़त्म करेंगे आके हम घर पे। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और सुबह का मौसम तो आप लोगों ने देखा कितना ही ज़बरदस्त था, तो उस मौसम की वजह से हम लोग गोमती नगर टहलने आए थे और दीदी के वहाँ भी हो लिया, तो उन लोगों ने दीदी के वहाँ कुछ सामान दे दिया, तो वो घर ले जा रहे हैं और रास्ते में ही है अभी हम लोग। तो फ्रेंड्स ये है मिठाई वाला चौराहा, और मिठाई वाली चौराहे की दुकान ये है जिसकी वजह से ये चौराहा फेमस है, ये है मिठाई वाला चौराहा। और अभी हम लोग आ चुके हैं मिठाई वाले चौराहे की और आगे बढ़ रहे हैं गोमती नगर चौराहे की तरफ। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my... Shortcut मारने के चक्कर में देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग है बंद, चिकोली क्रॉसिंग पे कौन बज रहा है कोई, तो ट्रेन आएगी यहाँ पे, टाइम लग जाएगा, भीड़ हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। अरे भैया भैया भैया, तो ये देखिए सामने से ट्रेन आ रही है। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. तो फ्रेंड्स अभी
जाम में ज़्यादा रुकना तो नहीं पड़ा, मतलब क्रॉसिंग बंद थी तो यहाँ पे बेसिकली काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और काफ़ी देर तक के जाम लगा रहता है। भाई देखिए कैसे धीरे चल रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, तो क्या ही बोले, मतलब गाड़ी चला लो या फ़ोन पे बात ही कर लो, एक ही काम कर लो, लेकिन वो गाड़ी भी चला रहा है और बात भी कर रहा है, तो बेसिकली ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा क्योंकि जैसे ही हम लोग आए तुरंत ट्रेन आ गई, तो मस्त निकल रहे हैं अब यहाँ से। माँ भोलेश्वर, तो ये बाबा महाकाल भोलेश्वर का मंदिर है और बेसिकली हम लोग रुके हुए थे पानी पीने के लिए, ठंडा ठंडा पानी था तो बोतल अपने पास पहले थी, हम लोगों ने ली थी कपूरथला चौराहे पे, और तो गोमती नगर में पैसा नहीं निकल रहा था, पता नहीं क्या इशू हुआ, तो अभी गए थे कोटक महिंद्रा के बैंक में तो वहाँ से सही हो गया, तो अब आए दूसरी जगह पैसे निकालने। सीन कुछ ऐसा है भाई, हम आ चुके हैं घर, देखिए क्या क्या सामान लाए हैं, पानी बोतल, और अब आए हैं तो कुछ खाने के लिए बनाएंगे, खिचड़ी बना लेंगे। तो सुबह हम गए मामे के वहाँ पे, हम ऊपर आ गए हैं, मतलब घर आ गए हैं और घर पे मिलते हैं अब आप लोगों को, रेस्ट करने के बाद फिर मिलेंगे। पहले व्लॉग को करते हैं ख़त्म, और जो स्टार्टिंग की वीडियो है और एंड की वीडियो, मतलब इंट्रो और एंड जो होता है जैसे कि व्लॉग ख़त्म करते हैं ये वाला सीन, वो अभी दोनों एक साथ सीन कर रहे हैं क्योंकि वीडियो दो दिन पहले बनाई थी, एक दिन पहले बनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो थी, तो बड़ी वीडियो ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, तो उसको वन पार्ट टू में बनाया, इस वजह से एक ही दिन में इंट्रो और एंडिंग का पार्ट सीन कर रहे हैं, मतलब एक ही समय में एक ही दिन में। तो चलिए व्लॉग को ख़त्म करते हैं, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगती तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूपी लखनऊ से देख रहे हैं तो फुल सपोर्ट करिए, अदर स्टेट से देख रहे हैं तो फुल सपोर्ट करिए, कीमती वक्त निकाल के हमारा व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।